नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M31 और ये है M51। दोस्तों M51 में आप यहाँ पे क्लॉक देख सकते हो AOD पे, और आपको पता चल गया होगा ये है क्लॉक फेस गुड लॉक मॉड्यूल। तो दोस्तों आप फाइनली अब अपने सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के फोन में गुड लॉक मॉड्यूल को यहाँ पे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो M51 में भी मैंने क्लॉक फेस को इनेबल किया है, और उसी तरह से मैंने यहाँ पे M31 इसमें भी क्लॉक फेस को इनेबल कर दिया है। तो आप अलग अलग स्टाइल से क्लॉक फेस को यहाँ पे यूज कर सकते हो, बहुत सारी आपको चीजें मिल जाएंगी क्लॉक फेस पे। तो आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले जो लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लॉक फेस की जो लिंक होगी आपको उसे ब्राउजर में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में डाउनलोड बटन दिखाई देगा, आपको उस डाउनलोड बटन पे यहाँ पे टैप करना है। आपको इसे करना है डाउनलोड। दोस्तों जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी ब्राउजर में, आपको जाना है माय फाइल्स में, और फिर आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड फोल्डर में, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्लॉक फेस ES। आपको इसे यहाँ से इंस्टॉल करना है, और आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो लिंक है मैंने उसी से आपको क्लॉक फेस को डाउनलोड करना है, आप आसानी से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली। दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे करना है डन। अब आपको क्लॉक फेस को किस तरह से एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे लॉक स्क्रीन में, और फिर आपको यहाँ पे क्लॉक स्टाइल पे टैप करना है, और आपको यहाँ पे करना है AOD को सिलेक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में यहाँ पे क्लॉक का आइकन दिखाई देगा, ये वाला, आपको उस पर टैप करना है। और यहाँ पे भी लास्ट में एक कलरफुल क्लॉक का आइकन दिखाई देगा, आपको उस पर टैप करना है। और ये है हमारा क्लॉक फेस, आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइनली आप क्लॉक फेस की मदद से अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग कलर में, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स ऐड करके एक क्लॉक में यहाँ पे अलग टाइप की अपने हिसाब से एक क्लॉक बना सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं चाहूँ इसे सेट करना तो मैं इसे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो टिक है उस पर टैप करना है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे AOD पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो AOD पे जो क्लॉक फेस की जो क्लॉक है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अब आसानी से यहाँ पे क्लॉक फेस का यूज कर सकते हो अपने एम सीरीज के फोन में। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है, जो क्लॉक फेस है यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे काम नहीं करती। तो अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ लॉक स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लॉक फेस पे, तो यहाँ पे क्लॉक फेस ओपन होता नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल जो क्लॉक फेस है केवल AOD पे काम कर रहा है। तो अगर आपको इसे यूज करना है AOD पे, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे AOD के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे क्लॉक फेस में, और आप यहाँ पे अपने हिसाब से क्लॉक भी बना सकते हो। और क्लॉक फेस को आपको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से अपनी खुद की क्लॉक यहाँ पे बनानी है, तो उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है गुड लॉक का क्लॉक फेस के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको सब पता चल जाएगा आप किस तरह से क्लॉक फेस को यहाँ पे यूज कर सकते हो, किस तरह से अलग अलग टाइप की क्लॉक बना सकते हो, किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरीके से अब फाइनली अपने फोन में यहाँ पे क्लॉक फेस की जो अलग अलग क्लॉक्स है उन्हें अपने AOD पर सेट कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो, हमें ईमेल भी कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। इंस्टा और ईमेल आपको मिल जाएगा मेरे अबाउट पेज में। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।